हेलो फ्रेंड्स, आप हमें लाइव देख रहे हैं तो हमारे पास जो है आर्केटिक मिनी एयर कूलर के और इस वीडियो में हम जो है क्विक कंपैरिजन करेंगे। तो हमारे पास दो मॉडल है, एक है हमारे पास आर्केटिक एयर मिनी कूलर जो कि आपका पुराना मॉडल, और एक इसका एक नया लेटेस्ट मॉडल आया है और वो है आर्केटिक एयर कूलर अल्ट्रा। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं डिफरेंस है। सबसे पहले जो है आप अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट इन साइज़ है। तो अगर हम पुराने मॉडल की स्पेसिफिकेशन या साइज़ की बात करें तो ये आपको आंखों से ही दिख रहा है कि ये देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो ये 6 फीट से थोड़ा सा चौड़ा है, जबकि ये जो है आपका 5.25 के बराबर है। और अगर विड्थ देखें तो ये भी आपकी 6 से ज़्यादा है, जबकि इसमें जो है विड्थ लगभग बराबर ही आप कह सकते हैं। मॉडल की बात करें तो देखिए, इसमें आपका कागज़ डलता है, हमने अभी ये चला रखा है, तो इसके अंदर फिल्टर कागज़ है और उससे आपकी कूलिंग होती है। और जबकि इसमें जो है कूलिंग के लिए इसमें स्पंज डाला गया है। अगर आपको हम ये दिखाते हैं तो ये इसको आप खींचोगे तो आपका ये बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए, इसमें कूलिंग के लिए स्पंज जो कि आपका कह सकते हैं फर्नीचर में इस्तेमाल होता है, उसी को काट काट के डाला गया है। तो कूलिंग के लिए जो है आपको इसको हर 2 या 3 घंटे में पानी में डिप करना पड़ेगा। तो बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको ठंडे पानी से भिगोएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें कूलिंग जो है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं पानी आपका यहाँ डलता है, यहाँ से हम पानी डालते हैं तो कागज़ अपने आप पानी उठाता है। जबकि इसमें होता क्या है, हमें आपको बार बार इसका जो स्पंज है उसको टैप के नीचे गीला करना पड़ता है। पानी इसमें भी डलता है बट ये पानी हमारे स्पंज को किसी तरह से गीला नहीं करता, ये सिर्फ ऊपर से इसको ठंडा करने के लिए है। और इसके कंट्रोलर की बात करें तो इसमें आपका ये ऑन ऑफ बटन है, यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ती घटती है, यहाँ से इसकी एलईडी लाइट बंद होगी। जबकि इस मॉडल में जो है आपकी एक ही बटन से ऑन ऑफ होगा, एक ही बटन से इसकी स्पीड घटेगी बढ़ेगी, यहाँ से ये इंडिकेट करेगा कि क्या स्पीड है और यहाँ से आपकी लाइट्स बंद होगी। इसमें 7 कलर की लाइट है, अगर आप ये देख रहे हैं डिफरेंट प्रकार की लाइटिंग है, 7 कलर है जबकि इसमें सिर्फ ब्लू कलर है। और इसमें लाइटिंग ज़्यादा बेहतर है, ब्राइटनेस ज़्यादा जबकि इसमें कम है, जो कि हमें लगता है कि ज़्यादा रोशनी होना जो है सोते वक्त काफ़ी दिक्कत आती है। अगर आप रात को इसको चलाकर सो रहे हैं तो ज़्यादा रोशनी होने के कारण काफ़ी दिक्कत आ सकती है कई लोगों को। अब जो है हम आपको इसको चलाकर दिखाते हैं, दोनों का पर्पस सेम है कि फंक्शन यही है कि दोनों कॉम्पैक्ट इन साइज़ है, पोर्टेबल है, आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। 1 पर्सन के लिए है, यानी कि 1 पर्सन जो है अपने टेबल के आगे रखेगा तो उसको कूलिंग फील होगी। बट ये मॉडल जो है अगर आप देखें तो ये मॉडल ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका एयर फ्लो पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, जबकि इसमें थोड़ा कम है। इसकी जो मोटर है, अगर आपको ये दिखाएं, फ़ैन की जो मोटर है वो भी ज़्यादा बेहतर है, इसका एयर फ्लो भी ज़्यादा तेज है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो सबसे पहले हम आपको इसका थोड़ा सा दिखाते हैं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो अगर आपको इसका एयर फ्लो चेक करके दिखाएं तो ये हमारे पास एक डिवाइस है जो कि एयर फ्लो को ही चेक करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी रीडिंग जो है 1.9 मीटर पर सेकेंड आ रही है। कूलिंग जो है इसकी भी अच्छी है, अगर आपको ये हम प्रॉपर दिखाएं तो इसके कागज़ में अगर रीडिंग जाएगी तो आपको और नीचे तक जा सकता है। तो 16 सेंटीग्रेड दिखा रहा है, और अगर आप आसपास का टेम्परेचर देखेंगे तो अराउंड शायद गलत कर रहा है, देखिए 35 है, और अगर आप प्रॉपर दिखाते हैं
मे बी हमारा ये डिवाइस सही ढंग से रीडिंग दे नहीं रहा, और चलो तो अब जो है हम दोनों को एक साथ चलाकर दिखाते हैं। तो इसको हमने पावर अब करते हैं चलाकर, तो ये हमारा चल पड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड दोनों एक साथ चल रहे हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं। और आप ये देखिए अगर आपको इसका एयर फ्लो दिखाएं, तो ये देखिए इसका एयर फ्लो बेहतर है, मतलब 2.2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रहा है। अगर आप इससे देखें तो कागज़ भी अगर आपको फिजिकली आपको दिख जाएगा, तो इनके फ़ायदे क्या होते हैं। फ़ायदा सबसे ज़्यादा तो हॉस्टलर हैं, ख़ास तौर पर जो लोग ट्रैवल करते हैं, नॉन एसी रूम लेते हैं, उनके लिए तो ये गैजेट बहुत वरदान है। क्योंकि आप एसी रूम लोगे उसका बिल ही 500 या 1000 रुपये फालतू आएगा, जबकि ये कूलर ही सिर्फ 1400 या 1500 रुपए का है छोटे वाला पुराना मॉडल, जबकि नया वाला मॉडल जो है 2500 का है। यानी कि एक ट्रैवलिंग में ही आपके ये 500 से 1000 रुपए बचा देगा। और अगर हम इसके साउंड लेवल की बात करें तो ये हम आपको साउंड लेवल दिखाते हैं, तो साउंड जो है इसका ज़्यादा है, 72 dBi आ रहा है। और कोशिश करते हैं शायद अभी हमारे थोड़ी ठीक हो गई होगी, तो अब 35 रीडिंग आ रही है। और अब जो है मैं आपको ये दिखाते हैं इसकी, अगर आप ये देखें 18 दिखा रहा है, और ये रीडिंग कुछ अनयूजुअल दिखा रहा है, मे बी सेल की ज़रूरत है इसको। तो फ्रेंड्स ये है, अगर आपको हम ये साथ चलाकर दिखाएं और इसको मैक्सिमम स्पीड पे कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका एयर फ्लो है तो 2, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका थोड़ा सा बेहतर है। कूलिंग की बात करें तो इसमें एयर फ्लो थोड़ा ज़्यादा होने के कारण जो है आपको कूलिंग उतनी अच्छी नहीं लगेगी। साउंड लेवल के मामले में ये वाला मॉडल बेहतर है, इसकी आवाज़ बहुत कम है, आप इसको बिल्कुल पास रख सकते हैं, जबकि ये थोड़ा सा नॉइजी है। अगर बिल्ड की बात करें तो ये मॉडल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये वाला जो है थोड़ा सा नाजुक है। लाइफ की बात करें तो इसमें कागज़ डले हुए हैं, और कागज़ जो है ये देखिए एक महीने से हम चला रहे हैं, और ये पानी में टच ज़रूरी है, अगर ये पानी में टच नहीं होगा तो पानी इसमें चढ़ेगा नहीं। बट हमें लगता है कि इलेक्ट्रीशियन जो है कोई ना कोई फिल्टर कागज़ डाल के इसको ठीक कर देगा, जबकि इसमें जो है आप अगर आप देख रहे हैं स्पंज डली हुई है, तो इसकी लाइफ जो है ज़्यादा बेहतर है, ये मतलब ज़्यादा देर तक आपका कूलिंग करेगा। प्राइस वाइज बात करें तो ये आपको 1700-1800 रुपए के आसपास मिलेगा, जबकि अल्ट्रा मॉडल जो है थोड़ा सा कॉस्टली है भारत में, और ये हमें 2600 रुपए का पड़ा है। तो हम लिंक डाल देंगे, आप चाहो तो इन दोनों में से कोई मॉडल खरीद सकते हैं। इनका जो फ़ायदा एक और ये भी है कि जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जितने भी कूलर होते हैं वो काफ़ी नॉइज़ करते हैं, आवाज़ करते हैं, चाहे छोटा सा छोटा कूलर भी हो बहुत ज़्यादा शोर करता है, जबकि ये कूलर जो है पढ़ने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए काफ़ी अच्छा है। इवन हमने दो कूलर साथ लगा दिए हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आ रही है, मतलब अगर आप दो साथ लगा दो एक साथ तो इनकी कूलिंग ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा, ये शायद डिवाइस सही ढंग से रीडिंग नहीं दे रहा, तो हम कोशिश करते दोबारा, तो इसकी रीडिंग जो है 9.6 दिखा रहा है, जबकि ये हमारा शायद काम नहीं कर रहा, हमें शायद बैटरी ही डालनी पड़ेगी इसमें। तो फ्रेंड्स ये था प्रोडक्ट, आप चाहो तो इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी अमेज़ोन से खरीद सकते हैं, इस वीडियो के नीचे हम लिंक डाल देंगे। तो इसका मॉडल नेम है आर्किटेक्ट
एयर, जबकि ये वाला मॉडल जो है आर्कटिक एयर अल्ट्रा। इसमें एक तीसरा मॉडल भी आता है जिसको शायद हम नहीं खरीदेंगे, वो है आर्कटिक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट, वो आपको 1700 रुपए का पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा इससे शायद पतला होगा, तो वो भी हम लिंक डाल देंगे। तो आप चाहो तो कॉम्पैक्ट वाला मंगवा सकते हैं, उसकी जो प्राइस जो है अमेज़न पर 1700 रुपए के करीब है। तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, भारतीय कंपनियों को भी ऐसा कोई जुगाड़ भारत में लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि अगर ये भारत में बने तो शायद आपको ये 1000 तक आसानी से मिल जाएगा। तो ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जस्ट स्पंज लगा दी है और पीछे से एक पावरफुल फैन है और एक बॉडी चाहिए, तो आसानी से ये बन सकता है, जस्ट थोड़ा सा जुगाड़ कह सकते हैं। और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, और इस वीडियो को ज़रूर